अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैफुल्ला स्लम स्टेट एंड बिल्डर के चैनल से। बहरिया टाउन के अंदर टाइम टू टाइम अपडेट्स और अमेंडमेंट्स और जो नई इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज एक नई इम्प्लीमेंटेशन हुई है बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से। बहरिया टाउन उन एरियाज में जहाँ पर डिवेलपमेंट कम्प्लीट हो चुकी है या वो एरियाज जहाँ पर प्रॉपर्टी रेडी है फॉर पोजेशन, उसके लिए अपने क्लाइंट्स को पिछले कुछ 4-6 महीनों से इंटीमेट कर रहे हैं, उनको लेटर भेज रहे हैं या उनको थ्रू कॉल बता रहे हैं कि आप आएँ अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन और यूटिलिटी पे करें। काफ़ी सारे दोस्त इस हवाले से पूछते भी रहते थे टाइम टू टाइम कि हमें पोजेशन और यूटिलिटी पे करना चाहिए या अभी हमारे पास टाइम है, इस टाइम को हम गेन करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़ाहिर है कुछ दोस्त जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं या कुछ अपने मामलों में बिज़ी हैं तो वो इस चीज़ को जानना चाह रहे होते थे टाइम टू टाइम कि क्या हमारे पास टाइम है, गेन कर सकते हैं या खुदा ना खास्ता बहरिया टाउन इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो नहीं लेगा। तो बहरहाल हमारी तो हर दफ़ा यही सजेशन होती थी अपने कस्टमर को कि अगर आप पे कर सकते हैं, आपके पास टाइम भी है, फाइनेंसिस का भी इशू नहीं है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पोजेशन यूटिलिटी पे करें और अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लें, ये ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल अभी बहरिया टाउन ने उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी तक पोजेशन और यूटिलिटी पे नहीं की उनके लिए एक बैरियर लगाया है। बैरियर क्या लगाया है कि जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराने आते हैं तो ये कंपलसरी है कि आप उसकी पोजेशन और यूटिलिटी पे कर चुके हो। इन अदर वर्ड्स, वो प्लॉट, वो प्रॉपर्टी जो पोजेशनेबल है या बहरिया टाउन ने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको इंटीमेट कर रखा है रेडी कि आप इसकी पोजेशन और यूटिलिटी पे करें, और अगर पोजेशन वाला एरिया है, पोजेशनेबल वाला एरिया है और आपको इंटीमेट नहीं भी किया हुआ किसी वजह से, फिर भी आप बाउंड हैं कि ट्रांसफ़र से पहले आप उसकी पोजेशन और यूटिलिटी पे करें। ये जो एक्शन आज से बहरिया टाउन ने लिया है, ये ज़ाहिर है अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके ऊपर फर्दर वर्किंग भी होगी और स्पेशली वो केसेस जो इस वक्त ट्रांसफ़र के उस प्रोसेस में हैं, जिन दोस्तों ने प्लॉट या विलाज या अपार्टमेंट परचेज़ किए हुए लेकिन उनकी पोजेशन और यूटिलिटी पे नहीं हुआ, आज एकदम जो ये एक्शन हुआ है इसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम होगी उन दोस्तों के लिए जो मेंटली तौर पे इसके लिए तैयार नहीं है, वो बायर हों या सेलर हों, कि हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसमें पोजेशन और यूटिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। तो आज ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है तो इस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी, सेलर और बायर को दोनों को किसी न किसी पॉइंट पर एग्री भी करना पड़ेगा और इन फंड्स का भी अरेंज करना पड़ेगा और इस फंड्स के बाद उसको ट्रांसफ़र भी करवाना पड़ेगा। बहरहाल मार्केट के कुछ दोस्त इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट के यूनियन के लोग हैं या बाकी दोस्त हैं, कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट से इस हवाले से बात की जाए कि जो इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं या जिन लोगों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं या जिनकी NDC डल चुकी है, जिनके टोकन बयाने हो चुके हैं, उनको इस प्रोसेस से गुजरने दिया जाए ताकि खुदा न खास्ता किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो या कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन बहरिया टाउन की तरफ से ये डिसीजन आ गया है, इसमें कुछ चेंज आती है, बहरिया टाउन इन प्लॉट्स के लिए, इन प्रॉपर्टीज़ के लिए अगर कोई टाइम देता है जो इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं और इसके ऊपर कोई चेंज आती तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बहरहाल ये आपको बताना ज़रूरी था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन में लेने जा रहे हैं, परचेज़ करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं और वो प्रॉपर्टी पोजेशन वाले एरिया में आती है, पोजेशनेबल एरिया है, तो फिर आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन और यूटिलिटी पे होना ज़रूरी है। इन अदर वर्ड्स, इससे पहले, आज से पहले हम बहरिया टाउन में जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते थे तो एक उसमें जो चेक करने वाली चीज़ होती थी वो ये होती थी कि ये पोजेशन एंड यूटिलिटी पेड है या नहीं है। तो मेरा ख्याल से आज के बाद हमारी ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि पोजेशन और यूटिलिटी पेड है या नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि वो पोजेशन और यूटिलिटी पेड प्लाट है। बहरहाल फिर भी इसके ऊपर जो भी चेंज आती है, डिटेल आती है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।